बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा चैप्टर है द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है ये यूजुअली सप्लाई साइडर जो थे ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। केनीजियन स्कूल ऑफ थॉट जो है ये डिमांड साइड, यानी इनकी थिंकिंग है, ये स्ट्रेस करते हैं डिमांड साइड पे, यानी ये कहते हैं कि डिमांड साइड की रोल अदा करती है और सप्लाई साइड जो है ये क्लासिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने ऊपर डिस्कस किया था, ऊपर जो फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, द वेज डिटरमिनेशन। तो ये यहाँ पर देखने हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ देखें इधर ये फ्रैंक की बुक है और यहाँ पर हमने वेज डिटरमिनेशन किया था, ठीक है। ये सप्लाई ऑफ लेबर थी और यहाँ पर हमने उसको डिटरमाइन किया था कि किस तरह होता है। ये देखें डिमांड फॉर लेबर है, ये डिमांड फॉर लेबर है और ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले डिमांड को भी डिटेल से डिस्कस किया था, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर में। क्लासिकल की मेन सोच जो है वो कहते हैं वेजेस आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। वेजेज आर फ्लेक्सिबल, इस पर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी क्लासिकल में, ठीक है। और यहाँ पर ये उनकी हो गई प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहाँ पर नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखें दर यहाँ पर उसमें पढ़ लिया था कि वेजेज आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड, ठीक है। वेजेज आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड, तो यहाँ पर देख लें रियल वेज रेट, यानी सप्लाई और लेबर सिर्फ रियल वेज रेट पर डिपेंड करता है, यानी मॉनेटरी वेज रेट पे क्या आता है नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जब प्राइसेस भी चेंज होती हैं और डब्ल्यू भी चेंज होता है, तो डब्ल्यू और पी दोनों चेंज होते हैं, तो यहाँ पर रियल वेज रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह अगर मॉनेटरी चेंजेस कर लें, ठीक है, वेज रेट में, तो उसका कोई असर नहीं है एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। और फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी अनवॉलंटियरली, ठीक है। अगर कोई भी क्या, यानी जो चाहता है, जो लोग वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, जो लोग वॉलंटियर नहीं करना चाहते इट्स ओके, लेकिन अनवॉलंटियरली यानी लोग चाहते हैं काम करें, उनको वेजेस की वजह से काम नहीं मिल रहा, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे कहते हैं कि वॉलंटियरली जो भी लोग काम करने के लिए वो है काम करना चाहते हैं तो उनको जॉब मिलती है, ठीक है। तो इसको ही हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ देख लें द वेज रेट डिटरमिनेशन, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नॉमिनल वेज रेट। रिजिडिटी के बाद कीन्स करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के बाद क्लासिकल करते हैं। तो यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर ये जो है ये इसको हमने बाकायदा क्लासिकल डायकॉटमी में और ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि बाकायदा क्या है, यहाँ पर प्राइसेस अगर हम चेंज कर लें तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये हमने क्या क्या था इसमें, हमने क्लासिकल डायकॉटमी में हमने इसको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में, ठीक है, और इसको हमने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा बुक किधर गई, तो ये यहाँ देख लें ये जो पेज है पेज 62 पे फ्रैंक की बुक में, तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मनी वेज। अगर मनी वेज को, अगर इसको हम प्राइसेस को क्या करते हैं, मनी वेज रेट फ्लेक्सिबल होगी, अगर वो चेंज कर रही है तो रियल वेज रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक था इसका फ्लेक्सिबिलिटी वेज रिजिडिटी। तो यहाँ देखिए इसको हमने, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये वेज रिजिडिटी के इसमें मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने इसको वेज रिजिडिटी आई एस एल एम ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कराया था कि वेज रिजिडिटी होती है, वेजेस डाउन, वेजेस जो हैं केनीजियन केस में, यानी सप्लाई ऑफ लेबर जो है ना, सप्लाई ऑफ लेबर उसमें वेजेस जो हैं वो रिजिड हैं, वो डाउनवर्ड नहीं आते, ठीक है।
अगर हम बी पॉइंट से हैं, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट से अगर अगर क्या हो गया, अगर वेज रेट कम हो गया तो वो सप्लाई क्या होगी, कम नहीं होगी। यहाँ पर वॉलेंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इनवॉलेंटियरली ए से बी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अगर यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप होती तो इक्विलिब्रियम यहाँ ए इस पॉइंट पे आता, ठीक है। तो ये वेज रिजिडिटी है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और फिर है रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ये हमने डिस्कस किया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर ये इसकी इसमें देखना है, यहाँ पर पहले हमने इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो चीज़ें थी ये बिल्कुल हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ही हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है इसकी बुक में, ठीक है, फ्राइड की बुक में, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। फेडरेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व अंडर क्लासिकल एंड कीनीजियन अजम्पशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है, ये बाकायदा हम मैंने यहाँ पर इसमें पावर पॉइंट में यहाँ पर ये वाला केस जो है ये किनीजन है वेज रिजिडिटी में। ये वेज रिजिडिटी में बकायदा एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, बल्कि पॉजिटिव भी नहीं आती इसको, थोड़ा सा अगर हम इस तरह कर लें तो ये इस तरह आती है, ये इस तरह आती है, ठीक है, ये इस तरह आती है, ठीक है, ये वाला सी वाला पोर्शन इस तरह है, ठीक है। इसके बाद चूंकि ये यहाँ पर ये इस तरह है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, किनीजन की सप्लाई कर्व है, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल की सप्लाई कर्व जो है, यहाँ पर क्लासिकल सप्लाई कर्व थोड़ा सा देखने, उसको मैंने डिराइव किया था, लेकिन हो सकता है मैं भी आप लोगों को यहाँ पर याद हो या ना हो। तो ये देखें, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो यहाँ पर क्लासिकल मॉडल में हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। यहाँ पर चूंकि अलग अलग है, यहाँ पर देखने मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, यहाँ फिगर से देखने थोड़ा सा, तो आप लोग उसको इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। ये देखें इधर, ये वही वाला फिगर है, ये देखें इधर, ये वाला फिगर यहाँ हम डिराइव कर चुके हैं, ये वाला फिगर देखना है, ये वाला फिगर इधर ही है, ठीक है। यहाँ देख लें, इनिशियली लेट सपोज हम ई पॉइंट पे है ना, ठीक है, इनिशियल ई पॉइंट पे, जब इनिशियल ई पॉइंट पे है तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये वाला, ये लेबर मार्केट है, यहाँ पर लेबर है, यहाँ वेजेस है, मॉनेटरी वेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो जब ई पॉइंट पे है तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। लेट सपोज करते हैं कि जी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, पी टू प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो जाहिर बात है रियल वेज रेट कम हो जाएगा, जब रियल वेज रेट कम हो जाएगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, तो डिमांड फॉर लेबर कर्व ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ देखें इस पॉइंट की तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ, ई से डी की तरफ आ जाएंगे, ये जो भी है यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन सब चूंकि इसको पता है, लेबर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, लेबर को पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रियल वेज रेट कम हो गया, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, अपनी सर्विसेज कम कर देंगे, तो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व ऊपर चली जाएगी, तो हम जी पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। तो देखो, कोई यहाँ पर कोई भी वो ना हुआ, कोई भी चेंजेस ना हुई एम्प्लॉयमेंट में, तो हम ई पॉइंट पे थे और प्राइसेस बढ़ गए तो जी पॉइंट की तरफ आ गए, तो वही लेबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है तो आपकी वाई यहाँ पर ये 45 डिग्री ले लें, तो देखो प्राइस पी वन तो इनकम वाई वन, प्राइसेस बढ़ गए पी टू तो प्राइस, तो वो क्या हो गई हमारे पास पी टू प्राइसेस पे भी इनकम हुई है, तो ई और एफ डैश को मिला रहे तो मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई क्या आएगा, वर्टिकल आएगा, ये क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। और किनीजन का जो है, किनीजन का सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन किया हुआ था। बाकी ये जो है द नोशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम इसमें कोई वो चीजें नहीं है, ये आप लोगों ने खुद तैयार करना, मैं आप लोगों को मटेरियल भिजवा दूंगा, आप लोगों ने ये खुद देखना है, इसमें कोई भी ग्राफिकल और ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि इसमें ये स्टैगफ्लेशन की बात है, तो वो इंशाल्लाह आगे आ रहा है, फिलिप्स कर पा रहे, तो उसको मैं उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये चीजें थ्योराटिकल है, तो ये डिफिशेंसी और ये चीजें थ्योराटिकल है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। मैं
मटेरियल में आप लोगों को भिजवा दूंगा।